जो लोग हल्ला करते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं हो, जातिगत जनगणना नहीं हो, काहे नहीं हो जातिगत जनगणना, जब जाति के नाम पे भेदभाव करके लोगों को सड़क से वंचित कर दिया जाता है, मौत के मुंह में डाल दिया जाता है। और जानते हैं सिंगिया प्रखंड का, समस्तीपुर जिला के सिंगिया प्रखंड का पुलारा पंचायत का जलवारा गांव, आई पीछे में देख रहे हैं सब जो है ना दलित और महादलित आबादी। और जानते हैं इधर इन लोगों का फूस का महल है यहाँ से वहां तक, और इधर जानते हैं मौत का नदी, और ये मौत के नदी के और इन लोगों के बीच में एक सड़क। और जानते हैं सड़क ऐसा है कि करोड़ों अरबों का फंड आता है पंचायत में सड़क बनाने के लिए, लेकिन फुलहारा पंचायत के जलवारा में यहाँ पे सड़क नहीं बनाया जाता है। जानते हैं काहे? मुखिया जी का क्या नाम है? मनोज। मुखिया जी का क्या नाम है? मनोज। जोर से बोलिएगा, मुखिया जी का क्या नाम है? क्या नाम है? अब नाम इसीलिए बोल रहे हैं मनोज झा, काहे कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग दलित है, वो ब्राह्मण है, इसीलिए रोड नहीं बनता। नहीं बनता क्या? ठीक ठीक हाँ ठीक हाँ नहीं, मतलब आप लोग के साथ भेदभाव करते हैं मुखिया जी? हाँ भेदभाव है, जब पकड़े चल के आज बन जाएंगे। अच्छा, तकर बाद छोड़े मुखिया जी, मनोज झा जी को बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अभी बनेगा, अभी बनेगा। अरे भैया ये बीरबल का खिचड़ी हो गया है, चढ़ तो गया है लेकिन पकिए नहीं रहा, पकिए नहीं रहा, यही बात है। इसीलिए आप लोग को लगता है कि आप लोग भी बाभन होते तो रोड बन जाता, बन जाता। अच्छा, कितने लोग को लगता है कि आप लोगों के दलित होने की वजह से ब्राह्मण मुखिया आप लोगों का रोड नहीं बना रहे? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। और इन लोगों की शिकायत है भैया कि जाति के नाम पे इन लोगों के साथ भेदभाव होता है, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है ना इस पोखरी में गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ जाती है खेत में बोइन करने, बाप बाहर में दूसरे रात में मजदूरी करता है, और बच्चे यहाँ पानी के डर में रहते हैं, और थोड़ी सी बारिश होती है ये पूरा रोड जो है ना जल में डूब जाता है। दोस्तों, नेताओं की रैली निकलती है, लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए चलते हैं, और जिंदाबाद करते रह जाते हैं, नेता जिंदाबाद जरूर हो जाते हैं लेकिन इनका रोड नहीं बनता। और रोड इस तरह से कि देखिएगा फूस का घर और कच्ची पगडंडी, वो भी तब जब पंचायती राज व्यवस्था में करोड़ों का फंड सड़क के लिए होता है, लेकिन एक महादलित आबादी जो है वो सड़क के लिए तरस रही। और देखिए कितने दिक्कत में, इधर पोखरी, इधर फूस का घर, और इधर जो है कच्ची रोड, कच्चा रास्ता। भारत माता की, फुलहारा मुखिया मनोज झा, होश में आओ, फुलहारा मुखिया मनोज झा, होश में आओ। अरे दलितों के टोला में रोड बनाओ, दलितों के टोला में रोड बनाओ। अरे जाति के आधार पर भेदभाव करना बंद करो। और भैया ये सारा दिक्कत, जितना समस्या, छोटे छोटे बच्चे मासूमों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इतना सड़क का दिक्कत है, देखिए कितना दूर आए हैं और रोड नहीं, और इतने सारे लोग मिल करके प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि रोड बने। तो भैया समस्तीपुर DCLR मुर्दाबाद, सिंगिया प्रखंड विकास पदाधिकारी मुर्दाबाद, अरे दलित विरोधी मनोज झा मुर्दाबाद। अब रुक जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, अब देखिए इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा मौत का पोखर, और जानते हैं ये जो रोड है, रोडवा तो नहीं बना लेकिन रोड के बीच में एक सेतु है, पुल है। और कौन पुल है जानते हैं? गांधी सेतु पुल है। और उधर से बच्चा लोग, छोटा छोटा मासूम लोग आता है ना, तो इसमें गिरने का डर रहता है। और किस तरह से ये लोग तैयार किए हैं, इसी में ये लोग चलते हैं, किसी तरह से बारिश होता है तो इधर पानी से डूब जाता है, और जान जोखिम में सोचिए कितना बच्चा इसमें लुढ़क जाएगा। अब हाँ, और धीरे धीरे सब पुल पार कीजिए, आप धीरे धीरे सब पुल पार कीजिए, गिरिएगा मत। और देख लीजिए पंचायती राज व्यवस्था में समस्तीपुर जिला के DM साहब कि किस तरह से महादलितों की टोला में रोड नहीं बनाया जाता है, और देखिए किस तरह से बांस पे ये लोग बिजली का तार ले जाते हैं, पोल नहीं लगाया जाता है। पोल है आप लोग को? पोल है? अरे हाथ खड़ा करके बोलिए, बिजली का पोल है? बिजली का पोल है? अरे सिंगिया बिजली विभाग मुर्दाबाद, सिंगिया बिजली विभाग का जय मुर्दाबाद।
अरे दलितों के टोला में पोल गारो, अरे ताना सही नहीं चलेगी। आइए पूरा रोड दिखाते हैं आपको, इन बच्चों के साथ जो ये लोग रोज देखते हैं, रोज झेलते हैं और रोज तकलीफ में इसी रोड से इन लोगों का चलना होता है। अभी गर्मी है, सुखार है, तो पैर नहीं पिछल रहा है, लेकिन जब यहाँ पे बारिश होगी तो पिछल के बच्चा पोखरी में जाएंगे। और यही स्थिति है और बहुत तकलीफ में है भैया, ये लोग बहुत तकलीफ में है। अरे समस्तीपुर डीएम होश में आओ, रोसड़ा एसडीओ होश में आओ, अरे दलितों के गली में रोड बनाओ, अरे भेदभाव बंद करो, अरे दलित विरोधी मुखिया मनोज झा मुर्दाबाद। बहुत दिक्कत तकलीफ समझ सकते हैं, बहुत दिक्कत तकलीफ। आप देखिए ये पतली सी सड़क, बारिश होगी बच्चे पिछल के उधर जाएंगे। सोचिए आज के दौर में जब करोड़ों अरबों रुपया ठेकेदार कमा के अमीर हो जाते हैं रोड को लूट करके, अरे लूटबो करते कम से कम छोटा सा भी पीसीसी तो बना देते है कि नहीं। हाथ खड़ा करके बोलिए, रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप लोगों के साथ दलित होने की वजह से भेदभाव होता है, दलित होने की वजह से भेदभाव होता है। कौन भेदभाव करते हैं मुखिया जी, कौन करते हैं भेदभाव, कौन करते हैं भेदभाव? क्या नाम है मुखिया जी का? क्या मनोज झा जी, जल्द से जल्द इस गली में, इस जलभरा में, इस दलितों की आबादी में रोड बनवा दीजिए, नहीं तो इन सबों को ले जा करके समस्तीपुर डीएम के ऑफिस के आगे में आमरण अनशन करेंगे इन बच्चों के साथ। कैसे इनके हक अधिकार को आप कुचल रहे हैं? कितना फंड आता है रोड का मनरेगा से, बिहार सरकार से, काहे नहीं रोड बनाते हैं? वोटवा नहीं दिया था क्या? ऐसा बात है क्या मुखिया जी? रोड बनवा दीजिए, नहीं तो अगली बार पुतला दहन करेंगे और समस्तीपुर बस में इन लोगों को लेकर के जाएंगे। काहे कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है भैया इतना कि लोग अपना बस करें, चंदा करके बस करेंगे, सबको बस में भरेंगे और सब लोग जा करके लोकतांत्रिक तरीके से समस्तीपुर डीएम ऑफिस के आगे में आमरण अनशन करेंगे अगर आप रोड नहीं बनाएंगे। इतनी समस्या है, बीडीओ एसडीओ डीएम मुखिया सब लोग अपने पद पर रहते हुए इन लोगों के साथ रोड नहीं बनवा के अत्याचार कर रहे हैं, अपने पद से गद्दारी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग गरीब होते हुए भी, तकलीफ में होते हुए भी देशभक्त हैं। जरा सुन लीजिए भैया, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।